ये रो डार्लिंग, तुम्हारा गिफ्ट। वाओ आईफोन। ये लो, तुम्हारा भाई भी आ गया। ओए, क्या लाया अपनी बहन के लिए? नहीं, कुछ नहीं लाया। अरे यार, अब तो तू बड़ा हो गया है और अपनी बहन के लिए कुछ लेके नहीं आया? थोड़ी शर्म कर ले यार, कुछ ले आता आज। नहीं दीदी, अगली बार लेके आऊंगा ना आपके लिए कुछ अच्छा सा। हाँ चल ठीक है, आके बैठ इधर, मैं लेकर आता हूँ किचन से केक। तुम मेरे बर्थडे पे खाली हाथ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीदी मैं लाया तो हूँ तुम्हारे लिए, पर मुझे ना शर्म आ रही देने से। शर्म कैसी है, ला दे ना। चांदी की रिंग। वाह यार, ये तो बहुत सुंदर है। ये पकड़, मैं इसे पहन के देखती हूँ। क्या हो रहा है ये, और क्या ये सब? कुछ नहीं, मेरे लिए रिंग लाए थे, बस वही पहन के देख रही थी। तूने तो बोला था तू कुछ लेके नहीं आया, तो फिर ये कहाँ से आ गया? हाँ तो क्या हुआ, रिंग तो रिंग होती है ना। छोड़ो ना दीदी, कोई बात नहीं, मैं ना अगले साल आपके बर्थडे पे डायमंड की रिंग दे दूंगा। ठीक है भैया, जब तक आप मेरे लिए डायमंड की रिंग नहीं लाएंगे ना, तब तक मैं ये चांदी की रिंग पहन के रखूंगी। ठीक है, चल जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो केक कट करते हैं। अगले साल भाई अपनी बहन के बर्थडे पर आता है। आप सबको लग रहा है कि वो डायमंड रिंग गिफ्ट करेगा, लेकिन अफसोस इस बार भी वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? तुमने मेरे भाई को मोटिवेट किया। अरे मैंने तुम्हारे भाई को मोटिवेट कब किया, मैंने तो उल्टा डिमोटिवेट किया उसे। जब से तुमने उससे रिंग वाली बात करी है, तब से उसने एक ही रट लगा रखी है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, दीदी को डायमंड रिंग लेके दूंगा। होता है, ऐसा होता है, जब इंसान के दिल पे बात लग जाती है ना, तो दिखाने के लिए बहुत कुछ करता है। और मुझे तो बेहद खुशी होगी कि वो कुछ कर रहा है, और करना भी चाहिए, इतना बड़ा जो हो गया है। और अगर वो मुझे दिखाने के लिए कर रहा है, तब भी तो अच्छी बात है, कुछ तो कर रहा है ना मेरी वजह से। और उसके अगले साल भाई अपनी बहन के लिए डायमंड रिंग लेकर आ ही जाता है। और अगर उसका भाई इस साल भी डायमंड रिंग लेकर नहीं आ पाता, तो इससे उसकी बहन को कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि बहनें तो होती ही ऐसी हैं।